रगड़े को इसमें डालते हैं वाटी में। सिड भाई नमक शमक नमक शमक। सल्लू भाई की मूवी जो ईद में आ रही है हाँ। उसका थोड़ा देख लेना क्योंकि हमारी लॉन्च करना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मतलब 2023 में हमने इफ्तारी करी थी, अगर आपको याद नहीं है। एसएचएल गेमिंग हाउस गए थे, वहां पर सब लोग बैठे थे, बहुत मस्ती किए थे। अब है 2024, तो ये वाली इफ्तारी भी हम करवाने जा रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिला था इस बार क्योंकि घर शिफ्टिंग में इतना बिजी हो गए थे मैं क्या बोलूं भाई। मम्मी जी तो बाहर पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, यहाँ पर बन रहा है मम्मी के हाथ का चना। और क्या बना है इसमें? ओए होए होए वटाने। या तो ये क्या रगड़ा है? ये दिस इज रगड़ा। और इसके अंदर है साबूदाना के वड़े। देखो सेंग है, साबूदाना बहुत हेल्दी रहता है ये वाला। अगर आपको नहीं पता तो मॉम को बोलना बनाने के लिए। ये चटनी घर पे बनाई है, गुड़ से बनी हुई है। और इसके अंदर क्या क्या है? इमली और गुड़ से बनी हुई है, बहुत टेस्टी है। सब कुछ घर से बनवा रहे हैं। व्हाट इज दिस माजिन? से समोसा। माजिन आपको फैंस देख रहे, बोलो आई लव यू फैंस। चॉकलेट खा रहा पर है समोसे गर्मा गरम। मतलब अभी गरम नहीं है, अभी तो ठंडे। इसको वहीं जाके तलेंगे, यहाँ से तल के आएंगे तो ठंडे हो जाएंगे। ये लो बेटा, अफ्तारी का सामान रेडी हो गया, तेरे सारे दोस्तों के लिए बनाया है। सब खुश हो जाएंगे। और ये अपने हाथों से बनाया है। फ्रूट्स नहीं है ना कुछ भी? तो फ्रूट्स वहाँ ले लूंगा जाके। फ्रूट यहाँ से कट करोगे? वो दूर फ्रूट भी काटेंगे और वो हफ्जा का शरबत भी बनाएंगे। और थोड़ा उनको बोला कांदा टमाटर चॉप करके रखेंगे और नींबू। खुश हो घर से बहुत ज्यादा। ये दुआ ही तो चाहिए। तुम लोग भी दुआ लो माओ की, ऐसा मेहनत कर करके। बस यही तो चाहिए होता है भाई एक बेटे को, अपनी माँ की दुआ। माँ तो बहुत खुश है, मर्जीना भी बहुत खुश है, बहन भी खुश है, माजिन तो बहुत ज़्यादा खुश है, और ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अभी फिलहाल हम लोग गेमिंग हाउस निकल चुके हैं, जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है, पहुँचने में लाइक लग जाएगा 6:30 बजे। तुरंत वहाँ पर जाना है और ऑलरेडी वहाँ पर शूट चल रहा है तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। थोड़ा आँख बंद करके लेटता हूँ यार, थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा भाई दोपहर में। आगे गेमिंग हाउस भाई, कैब में थोड़ा सो लिया। बाबूजी मस्त आपके लिए दावत है, बढ़िया से समोसे खजूर जूस रगड़ा सब कुछ लाया आज। थैंक यू सर। अरे मेरी जान, आओ खाओ सब। चलो हरीश भाई ऊपर है ना। शेर आया, क्या किया मेरी जान। वेलकम वेलकम। ऐसे ना व्लॉग बना रहे हो आज आपका? अच्छा नहीं बनाते क्या? बहुत प्यारा बना रहे हो, ऐसे ही करो, बहुत प्यारे लग रहे हो व्लॉग में। और भी अभी बनाऊंगा, अभी बनाएंगे। चलो आज शेर ने आज मस्त एकदम दावत कर रखा है, एकदम बढ़िया सा खाना है। आओ। क्या बात है, 15 दिन बाद आए हो आप। एक फोन नहीं किया आपने मुझे 15 दिन। तो फिर 8 दिन में बाकी है। हरीश जी को हम मदद करने वाले हैं आज, हम दोनों मिलके बनाने वाले हैं आज की इफ्तारी जो घर से आई है। सब मतलब ऑलरेडी रेडी है, हमको खाली इसको तलना है तेल में। ओके डन। ये डब्बा सब ओपन है ना? मेरे को इस बार डब्बा चाहिए। लास्ट बार अम्मी भाई बहुत खतरनाक हो गए थे भाई। मम्मी लोग है ना, वो डेंजर है भाई। अगर डब्बा नहीं लाए कुछ मत लाओ, तू रिटर्न मत आ, तू डब्बा लेके आ। लेकिन ऐसा बोला था मुझे। तब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मम्मी आज तक वो एक मैं पतीला लेके आया था, वो आज तक मम्मी जी पूछते भाई। मैं रख लेता हूं। नहीं नहीं भाई, ये मत दे, मत करना भाई। ये तो थोड़ा सही लग रहा है। ये साबूदाने के वड़े हैं, आपको पता है हरीश जी? नहीं नहीं, मैं कभी बनाया नहीं। चना काला कैसा हुआ? चना काला ही रहता है। काला चना नहीं देखा आपने? क्या बात कर रहे हो? नहीं, काला चना है। नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं। तो अब हम बना रहे हैं रगड़ा। इसलिए मॉम ने पहले ही बना के दे दिया हमें, इसे हम कर रहे हैं थोड़ा सा गरम। डीप फ्राई ऑयल बताओ कैसा होता है? यूं होता है। आरसीबी वाले किधर गए? कौन आरसीबी वाले? स्नैक्स आरसीबी यार। आने वाला है आरसीबी ने भी हुई भाई। इस बार शायद अपन भी कर रहे हैं आरसीबी को सपोर्ट। टेंशन नहीं है, मुंबई इंडियन वर्सेस आरसीबी है 11 तारीख को। मुंबई इंडियन नहीं जीतने वाली है, आरसीबी जीत जाएगी 11 तारीख को। तुम मुंबई इंडियन हो सपोर्टर? हम डाले, क्या बात है। ओ दूर से डालने का ना भाई, इसको ऐसा छोड़ने का नीचे, कभी भी ऐसा पटकने का नहीं खाने को, ऐसा धीरे धीरे ऐसा डालने का। फिर क्या, इसको तैरने देने का थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा चलाने का नहीं। ठीक है, घर पे भी 5-10 मिनट घर पे किचन में जाते रहने का थोड़ा मम्मी के साथ में। जाते हैं हम, तेरी माँ से पूछना, तेरी माँ बताएगी। चलो भाई तब तक ये सब बन रहा है, हम चलते। फ्रूट रूह अफ्जा बन चुका है, क्या बात है। तो रूह अफ्जा यहाँ पर हो चुका है। रूह अफ्जा में हमने डाला है दूध,
दूध के ऊपर डाला है थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा के ऊपर डाला है सब्जा। सब्जा जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, सब्जे को पहले पानी में रख देने का तो वो क्या मोटा मोटा फुलफुला हो जाता है। तो ये बन गया रूह अफ़ज़ा। बाकी चना और ये है, इसके ऊपर हम डालेंगे ये हरा धनिया का है ये ना, लो काट लेता हूँ। हरा धनिया भी कट गया है, फास्ट एंड फ्यूरियस सुपर सोनिक। गरम गरम रगड़ा तैयार है हमारा, इसको डालते हैं बाउल में। पूरा डाल दूं? मस्त है भाई, आहा क्या खुशबू आ रही, बाप ओए होए होए। मेरी माँ मेरी बीवी जब ये ब्लॉग देखेगी ना, एक तारीख बोलेगी अब बेटा तू घर पे बना, तू घर पे बना। टाइम हो चुका है, सब लोग हमारे भाई लोग आ चुके हैं। खजूर ले, खजूर ले, खजूर खाओ, पहले खजूर लो, आप खाओ। क्या बात है, ये है रगड़ा। सुनो, रगड़े को इसमें डाल दे वाटी में, सिद्ध भाई रगड़ दो, रगड़ दो और उसमें फिर डाल दे कांदा, ठीक है। ये डाला कांदा, ये डाला टमेटोस, फिर डाला हरा धनिया, ठीक है, और उसमें डाला ये आधा चम्मच ये वाली चटनी, ये चटनी है गुड़ और इमली की। हरा धनिया बोला है, दूसरे कलर का भी धनिया और जीनोसा। लो लो लो, टेस्ट करके बताएं कैसा है। मैंने इसको कैमरे के पहले पूछा था, फिर इसने बोला मर्जी भाई कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे, बोलो लो। इसमें कौन सा मसाला डाला, बहुत सेक्सी बना। इसमें हरा मसाला है, घर का मसाला है। किसमें? घर का मसाला है इसमें, जो घर में मम्मी ने पीस के बनाया है। अब इसमें वो कौन सा मसाला वो मेरे को पता नहीं। शादीशुदा लोग नॉट अलाउड, शादीशुदा लोग नहीं। क्या बोल रहे, देख रहे हो बुर्ज खलीफा में गेमिंग हाउस बना रहे, शादीशुदा लोग अलाउड नहीं है। तो फिर तुम भी नहीं, मैं लेके आ, तू भी नहीं होगा यार, लेकिन मैं मादिन को लेके आऊंगा ना घूमने घूमने यार। क्यों, क्यों मतलब क्या है, अलाउड ही नहीं है। मादिन को अकेले भेज देना, हम लोग खिला लेंगे, टेंशन मत लो, हम पूरा ध्यान रखेंगे। हां सिंगल बच्चा है वो। गाइस इफ्तारी कैसी लगी भाई, घर की है सब? मजा आ गया खाना, पेट भर गया पूरा। खाना खाओगे? हाँ ना, खाने में क्या है और खाना ले। ये खाना नहीं है, ये क्या था, यही तो है खाना, लाना है जी। भाई सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मेरे को ये बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट चना, सबसे बेस्ट लगा। इसके बाद मेरे को अच्छा लगा वो समोसा। पाजी हाँ पाजी, दसा फ्रूट अच्छे लगा तेनू? अरे फ्रूट तो भाई घर पे नहीं बना है, तो बाहर से आया, घर का सामान। आई लव यू टू, घर का सामान क्या अच्छा? फ्रूट बोला मैंने, आई लव फ्रूट बोला है मेरे को लगा है। ये क्या था? ये रगड़ा है, रगड़ा, रगड़ा पेटी, रगड़ा, हाँ सिर्फ रगड़ा है। ये डाइट पे है, ये डाइट पे है अभी, और अभी ये पूरा डाइट कंप्लीट करके जिम जाएगा और जिम में इक्विपमेंट भी खाएगा। अजीत भाई आओ ना, हरीश भाई समोसा तो एकदम सेक्सी था, खाओ खाओ। मौसी जी कैसा लग रहा है पहला मैच मुंबई इंडियन को जीतते हुए, आपके लाइव आपके आंख में थोड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मेरे को पता ही था जीतने वाले, मैं जा रहा था ना। तो 11 तारीख को भी जाओगे? 11 तारीख को वीक टीम के अगेंस्ट में है ना आरसीबी, तो जाने की जरूरत नहीं है, मैं उधर में टाइम क्यों वेस्ट करूं, इधर मैं आराम से बैठ के देखूंगा। और उस दिन मुंबई इंडियन हार गई तो आरसीबी से नहीं हारेगी, हार गई तो हार ही नहीं सकते, जीत जाएंगे। मतलब सपना थोड़ी देख रहे हो कुछ, ये हार गए। अच्छा अभी तेरे को जो रील दिखाया तेरी माँ सपना बोल रहा है, रील रील देख रहे, रील नहीं रियल है वो, सात सौ दे देंगे वो। चना कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, खा खा खा। ये हमारे शाश्वत भाई है, ये सिद्ध भाई के भाई है। कैसे हो शाश्वत भाई? हमारे रॉकेट का डिजाइन जो है इन्होंने किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने अपना रूम बना लिया, ताजा बने, बना लिया। मतलब मेरे का इतना बजट नहीं था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे को पता था अगर मैं लाइक आपसे भी काम कराऊँ तो बजट लेके चलना होगा। मैंने बहुत मतलब अपने रेंज में करवा लिया, सिंपल सा। मैंने मॉडल आपका सेटअप कब बन रहा है बाबू? जिमिंग तो अच्छी चल रही है, कैसा निकाला रे? फीचर है मेरे पास। तो तू राइस क्यों बंद नहीं करता है? नहीं मेरे को पसंद है, मेरे को नहीं करना बंद, नहीं करना बंद, उसके अलावा भी फर्क होता है, धीरे धीरे दिखेगा। बता एक बार ट्राइसेप्स। अरे नहीं ट्राइसेप्स तो दिखा। दिस इज कॉल्ड गाइस स्लीपर बॉडी। अगर आपको जानना है स्लीपर बॉडी कैसी होती है, शर्ट के अंदर दिखती नहीं है लेकिन बाहर निकालो तो दिस इज कॉल्ड। अबे तेरी नस आ रही है बे। और ये कौन काटा तेरे को? अरे टीका होता है यार। अच्छा वो वाला मेरे को ऐसे डॉक्टर का लेके गया था, एक ही लगाया था उसने।
तो मेरे भी एक ही लगा था। नहीं ये बहुत देखो तुमको स्टैंप मारा उसने। ये वो पीके का जवाब है, पीके पिक्चर देखिए ना, टप्पा टप्पा दिखा, टप्पा टप्पा हम जा रहे घर। क्यों हमारा तुम्हें पता नहीं है? नहीं ऑफिस है ये, हो गया शादी। ये देख बोल रहा है हो गया शादी। अबे बोलना मॉडल, तो मतलब यहाँ तू सिर्फ स्ट्रीमिंग करने आएगा? अरे मैं आता हूँ दिन में, हाँ मैं 12 बजे पहुंच जाता हूँ यहाँ पे और फिर 8-9 बजे निकल जाता हूँ। मतलब अभी से वो कर रहे, तू सेटल कर दिन में स्ट्रीम और फिर शूट वूट सब निपटा के निकल। सॉर्टेड है यार मेरी जान, वेलकम टू मैरिड लाइफ सून 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 बोला है यार। सो गाइस जस्ट अभी इफ्तारी खत्म हुई, सबने खाया भाई दबा के और मजा आया। सबसे ज्यादा जो मजा आया सबको चने में भाई, बोले चने तो बहुत ही अच्छे थे। अभी सब लोग अपने काम पे लग गए, क्रिएटर जोन में सब अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं, हम आपको बाय बोल रहे हैं यहां से। क्या शिव नहीं कर रहे हैं? घर निकलता हूं यार, क्योंकि घर का काम भी करना है ना मेरे को। ईद आने वाली, पार्टी पेंडिंग है, पार्टी को ईद में घर आना है, बिरयानी खिलानी है 12 तारीख को ना। हाँ आ जाओ, यही हो ना? हाँ तो बुला लूंगा, ठीक है मिलते आ जाना। अभी बोल रहा हूँ ऑन स्ट्रीम आना है। डन डन मिलते, डन है, चलो मैं जाता हूँ, बाय टेक केयर। ये क्या कर रहे हो? सॉरी। और हाथ ऐसे चले गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला मतलब ईद जो है, है? ईद के लिए जो वो जो बुर्ज खलीफा, हाँ बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा नहीं, मैं दुबई खरीद लेते हैं थोड़ा यार। वो खरीद लेते हैं, पता क्या हुआ उसका ना, मैंने बात करी है। हाँ। वो दे नहीं रहे दुबई, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। तो कौन बीच में आ रहा है? बीच में वीजा, वीजा आ रहा है, तो वीजा कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट फ्री करवा देते हैं हर जगह, सब बंद होगा, पासपोर्ट फ्री, हाँ वीजा फ्री, हाँ टिकट फ्री, टिकट फ्री, सब बंद होगा है ना? सब बंद होगा, हाँ ठीक है। आरपी करें और मैं चलता हूँ, ठीक है। वो एक दो चीजें और खरीदनी है, मैं आपको नाम नाम लिख देना और ब्लैंक चेक रख देना। सल्लू भाई की मूवी जो ईद में आ रही है उसका थोड़ा देख लेना, क्योंकि हमारी लॉन्च करना है, ठीक है। मर्सी के रूम में देखो यार, क्यूट क्यूट पोकेमॉन्स है यहाँ पर, क्या बात है यार। ये सब तू कलेक्ट करता है? करता नहीं, ऐसे रूम में सजाने के लिए। क्या बात है यार, ये सब क्या है? ये तो मेरे को वो अपने पोकेमॉन वाले प्लेयर्स ने गिफ्ट किया। और ये पॉपकॉर्न, आप चाचा हुए तो उसके हिसाब से चाचा लोगों को गिफ्ट देना चाहिए। पापा तो उसके दे देंगे, चाचा के क्या देंगे? देंगे कुछ अच्छा, बताएंगे नहीं बताएंगे तो गिफ्ट कैसा? देखो पता है मैंने अपना जो करंट सेटअप है ना उस पर रखा है, तो वो क्या करता है लेके भागता रहता है, बोलता है यहाँ नहीं मेरे रूम में चाहिए चारिजा। हाँ, तो रूम में दे दो ना, उसको बहुत पसंद है। लेकिन चारिजा तेरे को बेशरम का ऐसा, तू अपने सेटअप में क्यों लगाया? जब तू मैंने क्यों लगाया पोकेमॉन? तो मेरे बच्चे के लिए नहीं आया था, ये मेरे लिए। अरे तो मेरा रूम वाला, वो रूम बच्चे का ही तो रूम बना रहा हूँ मैं, वो सब बहाना मत मारो। मार्जिन को एक अलग सा रूम बना कर दो, उसको प्राइवेसी चाहिए। या साले हम लोग को मुश्किल से दो अलग अलग रूम मिला भी सेटअप नहीं, लेकिन भाई प्राइवेसी देना चाहिए, देंगे देंगे, बच्चों को भी देना चाहिए, देंगे। चलो आप आरपी कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा लगा आपको अफतारी में सर? बहुत मजा आया। ईद में आपने आना है जरूर, आप इनवाइट करो, कर दिया है ये इन्विटेशन। 11-12 जिस दिन ईद होगी बुला लूंगा, 11 को भी हो सकता है, दोपहर में, आफ्टरनून में। बढ़िया फिर, बढ़िया बढ़िया है ना, आफ्टरनून में आए मिलते हैं और एंजॉय करें, आपका स्ट्रीम भी हो जाएगा, ठीक है। मेरे रूम से ही कर लेना स्ट्रीम, चलो कोई बात। इतनी अच्छी इफ्तारी करने के बाद आदि भाई खा रहे हैं मैगड़ी। मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहे हो? करे रेसिपी लीक मत करे प्लीज। क्या क्या डालते हो बताओ तो। मैं इधर आई, हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, केंट का पानी। अच्छा, केंट नॉर्मल पानी में यूज नहीं करता हूँ, केंट के पानी में ना थोड़ा सा टेस्ट हल्का मुलायम हो जाता है। अच्छा, मुलायम हो जाता है। हाँ। भाई कैसे झेल रहे हो? अच्छे बना था। अच्छा नहीं रिएक्शन, अच्छा आदि राज प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ। ये और हरीश जी सेम दिखते हैं थोड़े थोड़े, मतलब क्या बोलते हैं चैट, आपको लगता है ना थोड़े थोड़े सिमिलर है ये दोनों? ये देखो। हाँ। मतलब होता है बूट कैंप में ज्यादा रहते हैं ना तो उनका ऐसा हो जाता है। क्यों धीरज भाई है ना यार, हो गया टेस्ट, टेस्ट करके जाओ। नहीं मैं मैगी नहीं खाता। क्या बोल रहे हैं? खिलाने भी नहीं वाले। नहीं जा रहे हो के बाद कुछ आ रहा था क्या तेरा? नहीं जा रहे तो जाओ, एम्बर थोड़ी कुछ बोलेंगे आपको। सो अबे पागल है क्या? अबे कान जल जाएगा भाई, तूने गरम पानी फेंक के मारा। वेगन का प्रैंक
ये तुम्हारा लाडला है ना, तुम बिगाड़ दियो इसको एंड आदि वाले को। ये देखो बकरी घूम रही है। जो बब्बर शेर है गोल्डी भाई, उन्होंने गिफ्ट दिया है बहुत ही प्यारा सा मम्मी के लिए और मर्जिना के लिए। बताते हैं घर पे आके उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। मम्मा आ रहे हैं, डैड आए हैं आपके लिए। क्या लाए? चॉकलेट लाए, चॉकलेट बहुत सारी। ओ पठान साहब, पठान साहब बड़े हो गए यार। फुल पठानी पहना माजिन ने यार, व्हाइट कलर की। सेम दिख रहे हम लोग, बाप बेटा डुओ। गाइस सब लोग कमेंट में ये बताओ कि माजिन, मर्जिना और मैं कौन से कलर का, मतलब हम लोग कपड़ा पहने ईद के दिन। हाँ माजिन कौन से कलर का पहनोगे? माजिन का वो छोड़ो, ये देखो तुम लोग के लिए क्या आया है। क्या है ये? देखो जरा, गोल्डी भाई ने दिया है। देखो क्या है? क्या है? वाओ, क्या? सारी अरे गोल्डी भाई बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, अचानक बोले रुको जरा अभी जाओ मत, कुछ गिफ्ट है आपके लिए। तो मैं देखा मतलब मेरे लिए, बोले मतलब हर आउटफिट में मैच, हर कलर के मतलब। और उन्होंने मतलब खुद के चॉइस से मंगाया ये ऑनलाइन। अच्छा पहन के दिखाना पड़ेगा। ओहो आप भी पहनो अम्मी जी। अच्छे लगे? खुश हो गए भाई घर वाले। अब जो है देखो भाई, मैं अभी तक इसलिए रिवील नहीं कर रहा था, देखो आवाज आ रही है गूंजने की। तो घर में सिर्फ पेंट है और कुछ भी नहीं, अब तक टीवी तक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बट काफी लोग की डिमांडिंग है कि भाई प्लीज 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 रिवील कर दो जितना भी हो गया है। बाद में जब पूरा आप रेडी करोगे उसके बाद तुम कर देना, क्योंकि इसको अभी रेडी होने में 15-20 दिन जाएगा। ईद के दिन सारे एसेटिल वालों को मैंने इन्वाइट किया है, जो मतलब कुछ कुछ बिजी है उसमें से, जो जो फ्री है सब आ जाएंगे। मैं तो भाई बूट कैंप जाके दादा से ईद ही अलग लूंगा मेरी। ये बहुत प्यारी है ये वाली ना। ओह, और हर साल मैं जैसे कि रमजान रूटीन डालता हूँ अपना, तो इस बार मैं नहीं डाल पाया, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था घर के शिफ्टिंग वगैरह में। आप लोगों को तो पता ही है भाई, आप लोग जुड़े हुए हो। लास्ट टाइम की जैसा ही हमारा वैसे ही है, सहरी में हम कड़क पाव खाते हैं चाय के साथ, जिसको ब्रून मस्का बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मम्मी वो बोलते हैं। अंडा भुर्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, एंड शाम को जो है इफ्तार हम लोग करते हैं खजूर से, फ्रूट से, पानी से, शरबत, वही चल रहे हैं भाई। काफी लोगों का ये भी सवाल आया था कि भाई रमजान के बारे में बताओ भाई। ऐसा होता है हम लोग रोजा इसलिए रखते हैं कि भाई जिनको खाने को नहीं मिलता है, उनके सर पे छत नहीं होती है, तो हम लोगों को उनकी भूख का एहसास हो एंड हम लोग उनको डोनेशन दे सके और उनकी हेल्प कर सके, ताकि इसमें सोते नहीं रहने का भाई, कि आपने भाई रोजा रखा और सोते रहेगा, नहीं, आपको इबादत भी करनी होती है आपको, इसलिए मैं काम भी कर रहा था, मैं स्ट्रीम भी कर रहा था, मुझे पता चल रहा था कि भाई उनको जब भूख लगती होगी तो वो मतलब एक चीज़ और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ये बताना कि टाइमिंग का क्या सिस्टम होता है, आपको टाइमिंग आता है, पता रहता है, क्या होता है? भाई ऐसा होता है कि सनराइज से सनसेट तक का टाइम होता है भाई, जैसे कि सहरी होती है, सनराइज होने से पहले हमें खाना रोक लेना चाहिए एंड जैसे सनसेट होता है तब हमें फास्ट ओपन कर लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग में बहुत मजा आया होगा, ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो और प्यार बांटते रहो। लव यू, मिलते हैं ईद वाले ब्लॉग में। ईद वाला ब्लॉग स्पेशल होने वाला, क्योंकि मैंने काफी लोगों को बुलाया अपने घर पर और उसी दिन मैं सोचा रिवील कर देंगे, ठीक है? बाय बाय, सी यू।